गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी हाइलो रफल स्लीव ब्यूटीफुल ये टॉप, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने के लिए। आप बिगनर हैं तो भी आपको टेंशन की बात नहीं, आप इसे बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी 1 मीटर की फैब्रिक की, या 1 मीटर से आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, 10-15 इंचेस। सो इसे एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड कर लें। जो ओपन साइड होगी उसे ऐसे ही रहने देंगे। फोल्डेड साइड पर आप अपनी कोई भी कुर्ती टॉप ले लीजिए, उसे फोल्ड कर लें एंड इसके ऊपर प्लेस कर लें। यहाँ पर मैंने इसे इसके ऊपर प्लेस कर लिया है। स्लीव्स को भी मोड़ लेना होगा सो दैट हम आर्म होल का जो शेप है वो भी ट्रेस कर लें। इस तरीके से हमें प्लेस करना होगा हमारा कोई भी टॉप, मेक श्योर वो स्ट्रेचेबल ना हो। अभी कंधे से लेते हुए आर्म होल एंड साइड्स 1-1 इंच गैप रखते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। मैंने हल्का सा लूज़ रखा है क्योंकि बॉटम पे मैं इलास्टिक भी ऐड करूँगी, इसलिए आप भी हल्का सा लूज़ रख लीजिए। अब लंबाई जो है टॉप की वो अपने अनुसार लीजिए। आप कुर्ती भी क्रिएट कर सकते हैं तो और लॉन्ग लंबाई ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से लंबाई मार्क करने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम आगे का गला मार्क करेंगे। तो गले के लिए लंबाई यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 इंच की एंड चौड़ाई आप देखेंगे जहाँ पर हमारा कंधा एंड हो रहा है वहाँ तक का हमें मार्किंग कर लेना होगा एंड इस मार्किंग को भी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जब खोलेंगे तो हमें 2 फैब्रिक मिलेगा, एक फ्रंट बैक का। बैक का फैब्रिक हम साइड में रख लेंगे, फ्रंट फैब्रिक को अगेन फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट फैब्रिक का जो नेक है वो थोड़ा और लंबा रखेंगे तो यहाँ पर मैं 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। टोटल हमारा लेंथ हो जाएगा 5-5.5 इंच। यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हुए इन्हें जोड़ लेंगे इस तरीके से एंड जो आर्म होल है वहाँ से भी 1/2 इंच हमें एक लेस लेना होता है तो इसे भी मैं मार्किंग कर लूँगी। अब इन दोनों मार्किंग को भी हम कट कर लेंगे। मेक श्योर ये जो फैब्रिक हम कट कर रहे हैं ये हमारा फ्रंट का होगा। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद ओपन कर लेंगे, बैक का फैब्रिक इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे एंड कंधों को जोड़ लेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है क्रेप मटेरियल। तो यहाँ पर कंधों को जोड़ लेने के बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे क्योंकि अब हमें स्लीव्स लगा लेना होगा। तो कपड़े को जैसे पहले फोल्ड किया था वैसे ही फोल्ड करना होगा। एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड कर लें। फोल्डेड साइड पे आप अपनी स्लीव्स का फोल्डेड साइड रख ली, आप देखेंगे एक साइड मुड़ा हुआ होता है एंड एक साइड पर सिलाई होती है। सिलाई का भाग जो है वो आपके कपड़े के खुले हुए साइड पे होना चाहिए। 1 इंच का गैप छोड़ते हुए मार्किंग कर लें। लंबाई यहाँ पर मैं स्लीव्स की रख रही हूँ 9 इंच। अब थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए क्योंकि 9 इंच के नीचे मैं रफल लगाऊंगी। तो यहाँ पर साइड मार्क कर लिया है, ऊपर का शेप इस तरीके से स्लीव्स को फोल्ड करते हुए मार्क कर लें। मार्किंग हो जाने के बाद अब 1 इंच का गैप देते हुए मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर लिया है। स्लीव्स की कटिंग हो जाने के बाद जो स्लीव्स का आगे का हिस्सा होता है वो भी 1/2 इंच कम होता है, इसलिए जो 2 लेयर कपड़ा होगा ऊपर का वहाँ पर हमें 1/2 इंच अगेन कट कर लेना होगा, सिर्फ ऊपर के 2 लेयर पे कट कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी एंड इसे कट कर लूँगी एंड जो ये भाग होता है ये आपके कपड़े के आगे के साइड होगा। अगर आपको अभी समझने में कन्फ्यूजन हो रहा हो, जब आप आगे पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना ईजी है। इसे मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैं फ्रंट एरिया मार्क भी कर लूँगी सो दैट ये जो भाग है ये हमें फ्रंट के साइड ही लगा लेना होगा। अब कैसे लगाना है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। आप अपने कपड़े को जो आपका टॉप है उसे सीधे तरफ रख लीजिए ऊपर की ओर। तो यहाँ पर मैंने अपने टॉप को सीधे तरफ ऊपर की ओर रख लिया है। आस्तीन को उल्टे तरफ ऊपर की ओर रख लीजिए। यहाँ पर जो फ्रंट का भाग है वो फ्रंट में आना चाहिए एंड इस तरीके से उल्टा रखते हुए हम रख लेंगे, सेंटर से प्लेस कर लेंगे। सेम यहाँ पर फ्रंट का भाग जहाँ आ रहा है वहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। अब इसे सिलाई दे देनी होगी दोनों साइड पर। यहाँ पर दोनों साइड पर सिलाई दे दिया है एंड स्लीव्स लग गई है। अब बस इसे फ्लिप करके हमें साइड सीना होगा। साइड सीने के लिए स्लीव से बॉटम तक का हमें साइड सी लेना होगा। यहाँ पर साइड सीने के बाद अब हम नीचे का रफल कट करेंगे। नीचे का रफल कट करने के लिए जितना भी बचा हुआ कपड़ा है उसका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर हम कपड़े का वेस्ट नहीं करेंगे इसलिए 10 इंच का कपड़ा सबसे पहले फोल्ड कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इंच टेप से मेजर करके आपको बताया। 10 इंच का इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए एंड 10 इंच का यहाँ से भी फोल्ड कीजिए, मार्क कीजिए 10 इंच जहाँ आ रहा है वहाँ से आप फोल्ड कर लें। तो
यहाँ पर मैंने दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। अब कोने हिस्से से 10 इंच को आपको मार्किंग करना होगा एंड जैसे ही इंच टेप मैं घुमा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको घुमा लेना होगा 10 इंचेस ईच साइड पे एंड इन्हें भी कट कर लेंगे। जब आप इसे कट कर लेंगे एंड कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक प्रॉपर सर्कल नज़र आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक प्रॉपर सर्कल नज़र आएगा। अब बस इसे हम मोड़ लेंगे, फोल्ड करेंगे जितना हाई लो का डिफरेंस हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच ऊपर की ओर रखा है तो नीचे की ओर 14 इंच आ रहा है। एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड कर लें एंड अब 1-1 इंच का आप ईच साइड मार्किंग कर लें। यहाँ पर आप देख लें मैंने 1 इंच लिया है ईच साइड एंड इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद आप इसे खोल लें, खोलने के बाद जो बीच का सर्कल है वो आपके स्लीव्स के गोलाई पे लगा लेनी होगी। इस तरीके से आप देखेंगे फ्लो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आया। लाइक बहुत ही कम मटेरियल यूज़ करने के बावजूद हमारी जो स्लीव्स है वो बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही फ्लोई तैयार हो गई है। ऐसे ही आपको दोनों स्लीव्स भी तैयार कर लेनी होगी। तो दूसरी भी मार्किंग कटिंग सेम एग्जैक्टली जैसे मैंने पहली स्लीव्स का किया था मैंने सेकेंड स्लीव्स का भी कर लिया है। अब बस इन्हें हमें हमारे कपड़े की गोलाई पर लगा लेना होगा। कपड़े की गोलाई पे जो फ्रंट का हिस्सा आ रहा है मेक श्योर आप फ्रंट पे ही रखें एंड इस तरीके से गोलाई मार्क कर लें। आप सबसे पहले ऑल पिन से भी इसे अटैच कर लें सो दैट जब आप सिलाई करें तो आपके लिए आसानी हो एंड सारी किनारियों को आप मोड़ लें। मैं सारी किनारियों को पीकू करा लूँगी इसलिए मैं यहाँ पर मोड़ नहीं रही हूँ। सो सारी किनारियों को मोड़ लेने के बाद आपका ये टॉप ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। सो जो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर कर रही हूँ वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते अगर आप चाहें तो नहीं करें। नीचे की ओर मैं इलास्टिक लगा लूँगी। सो यहाँ पर जो हमारा नीचे का कपड़ा बचा था जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर किया था मैंने थोड़ा सा लूज़ रखा अपने टॉप को ताकि मैं नीचे की ओर इलास्टिक लगा लूँ। तो आप इलास्टिक ले लीजिए, स्ट्रेच करते हुए आप लगा लें। आपकी कमर के हिस्से से 2-3 इंच कम इलास्टिक होनी चाहिए एंड इसे खींचते हुए आपको लगा लेना होगा। कपड़े को 1/2 इंच मोड़ लें एंड देन इसके ऊपर इलास्टिक लगा लें। इस तरीके से इलास्टिक लगाने के बाद हमारा ये टॉप का लुक कुछ इस तरीके से नजर आएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे ये फ्लोई स्लीव्स का टॉप रेडी हो चुका है। ये स्लीव्स आप ना ही सिर्फ टॉप बनाने के लिए, आप अपनी कुर्ती बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रग अगर आप क्रिएट करें तो भी ये स्लीव पैटर्न ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। एंड इस तरीके से हमारा ये टॉप तैयार हो गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप स्कर्ट के साथ डेनिम के साथ कैरी करेंगे बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पर इसका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, हमने बहुत कम मटेरियल इस्तेमाल किया था बट उसके बावजूद इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा आता है अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो। सो यहाँ मैंने इसे क्रिएट किया है बेसिक रेड कलर में, तो इसीलिए इसके साथ नीचे पेयर अप करने के लिए आप कोई भी प्रिंटेड स्कर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी डेनिम भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा। क्योंकि इस टॉप के साथ हमने कोई भी डिटेलिंग नहीं किया था, इसे सिंपल ही बेसिक रखा है। इसी तरीके से आप डिफरेंट कलर्स में बनाइए एंड डिफरेंट तरीके से इसे पेयर अप कीजिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। सो यहाँ मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देना चाहूँगी। पहले सब्सक्राइबर है शैली कश्यप विथ लव माया एंड पूनम पूमा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करने के लिए। अगर आपको भी मेरे चैनल के नेक्स्ट वीडियो में फीचर होना है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड नीचे कमेंट जरूर कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।